नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है पुराना साल जो आपका गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और ये आने वाला साल, नया साल जो 2020 है, वो उससे भी अच्छा गुजरेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर जब हम नया फ़ोन ख़रीदते हैं, नया स्मार्टफोन ख़रीदते हैं, तो हम पुराने वाले स्मार्टफोन को या तो किसी को यूज़ करने के लिए दे देते हैं या फिर उसे बेच देते हैं। और बेचने से पहले या किसी को देने से पहले हम क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं। फैक्ट्री रिसेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको नया फ़ोन मिला बिल्कुल फ़ोन वैसा ही हो जाएगा और उसमें से जो भी डेटा वगैरह है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से पहले आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके फ़ोन में जो डेटा होता है, जो भी आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह है या फिर कोई आप UPI ट्रांजैक्शन एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या कुछ और आपकी बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ और उसमें अगर डेटा पासवर्ड वगैरह हैं, ID पासवर्ड वगैरह, तो वो पूरी तरह से जो फैक्ट्री रिसेट होता है वो करने के बाद भी वो फ़ोन से नहीं हटता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर की सफाई की और कूड़ा उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। अब देखिए, वो जो कूड़ा है वो घर से बाहर तो नहीं गया है फ़िलहाल, अभी वो कूड़ेदान में ही पड़ा है, यानी कि वो घर में ही है। तो उस कूड़े को वापस आप घर में फैला सकते हैं, उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप अपना फ़ोन रिसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं, तो उसके बाद भी जो डेटा रिकवरी एप्लीकेशंस होती हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके ज़रिए उस फ़ोन के डेटा को वापस रिकवर किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपने फ़ोन रिसेट करके किसी को बेच दिया, अगर सामने वाले पर्सन ने थोड़ी सी भी कोशिश करी तो वो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी डेटा आपके फ़ोन में है, जो भी आपका फ़ोन का डेटा था, उसको वापस रिसेट रिकवर कर सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप अपने फ़ोन को बेचने वाले हों या फिर किसी को देने वाले हों, सबसे पहले तो उसमें जो भी अकाउंट आपके लॉगिन हो रखे हैं, मान लीजिए गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या फिर अगर आप कोई UPI एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें अगर लॉगिन हो रखे हैं, तो उसको पहले साइन आउट कर देना है, मतलब उसको हटा देना है। उसके बाद आपको कोई जंक क्लीनर ऐप अगर प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो जंक क्लीनर एप्लीकेशंस होती है, तो उनको उनमें से किसी एक को डाउनलोड करके अपने फ़ोन की जंक फाइल्स को डिलीट कर देना है, जंक फाइल्स को क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको जो फैक्ट्री डेटा रिसेट है वो कर देना है, और फैक्ट्री डेटा रिसेट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में कुछ और फाइल्स स्टोर कर देनी है, जैसे मूवीज़, म्यूजिक वगैरह, कुछ भी डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं जो आपके काम का ना हो, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ना हो, जैसे कि कुछ मूवीज़ डाल दी या गाने डाल दिए इस तरह से। उसके बाद जब आपके मेमोरी में ये सारी चीज़ें भर जाएंगी, उसके बाद आपको दोबारा से यही काम करना है, फैक्ट्री डाटा रिसेट वाला। जब आप दोबारा से ये क्लीन करेंगे तो क्या होगा कि जो पहले वाला डेटा आपने क्लीन किया था वो और नीचे दब जाएगा। आप सिंपल कूड़े वाला एग्ज़ाम ले सकते हैं, जब आप डस्टबिन में कूड़ा डालेंगे, उसके बाद जब अगले दिन फिर से सफाई करेंगे और कूड़ा उसके ऊपर डालेंगे, तो जो पहले वाला कूड़ा था वो नीचे दब जाएगा, तो उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब अगर यही प्रोसीजर आप 3-4 बार करेंगे तो आपका डेटा रिकवर करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, यानी कि अगर आप फ़ोन बेच भी देते हैं 3-4 बार रिसेट करने के बाद इसी तरह से कि उसमें कुछ फाइल्स वगैरह डाल दी, वीडियो वगैरह डाल दी, उसके बाद उसको रिसेट कर दिया, फिर इसी तरह प्रोसीजर को 3-4 बार अगर आप कर देते हैं और उसके बाद फ़ोन बेचते हैं, तो अगर कोई रिकवर भी करना चाहेगा हमारे कुछ डेटा को, जो हमारी उसमें डिटेल होंगी, बैंकिंग डिटेल वगैरह होंगी, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि वो रेत के ढेर में सुई ढूंढना जैसा उसके लिए ये काम हो जाएगा। उसको जो हमने बाद में वो फाइलें डाल के रिसेट किया है, वो फाइलें तो वो रिकवर कर लेगा, जो हमने उसमें बाद में मूवीज़ वगैरह डाली है, म्यूज़िक डाले हैं, ऑडियोज़ वगैरह या गाने वाने जो भी चीज़ें उसमें डाली है, उनको तो रिकवर कर लेगा, लेकिन जितनी पुरानी चीज़ें होंगी उनको रिकवर करना उसके लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप ये ध्यान रख के, ये काम करके अगर अपने स्मार्टफोन को बेचते हैं, तो आपका जो बैंकिंग डिटेल वगैरह, जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके स्मार्टफोन में है, वो सेफ़ और सिक्योर रहेगा, किसी के गलत हाथों में नहीं पड़ेगा और कोई उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।